अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे खैर खैरियत से होंगे और छुट्टियाँ आप सबकी बहुत अच्छी गुजरी होंगी। हम लोग वापस अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कल्चर वाला, उसमें जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था वो हमने देखा था कल्चरल लैग, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि difference between rate of progress of material and non-material. मतलब कि जब हम material और non-material culture को उसकी progress देखते हैं, जब वो match नहीं करती आपस में, उस चीज़ को हम cultural lag का नाम देते हैं। फिर इसमें हमने आगे further उसकी hurdles देखे थे और उसको हमने discuss किया था कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें हर्डल बनती हैं कल्चरल लैग में, या उसके हमने इन्फ्लुएंस देखा था, उसके कॉजेज देखे थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चरल वेरिएबिलिटी का। वेरिएबिलिटी हम जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं वेरिएशन या डिफरेंसेस। तो जब हम बात करते हैं कल्चरल वेरिएबिलिटी की, तो हम बात करते हैं कल्चरल डिफरेंसेस की। जिस तरह हम इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें, तो वो कहता है कि ऑल द थिंग्स आर नॉट अलाइक इन द कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड्स या सोसाइटीज। कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप इन द वर्ल्ड। देयर आर पीपल हु बिलीव कि आई हिंदुइज्म व्हाइल अदर्स आर प्राउड ऑफ बीइंग मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। देयर आर पीपल हु आर स्टांच बिलीवर्स ऑफ गॉड व्हाइल अदर्स Even deny his existence. इससे जब हम देखते हैं, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो हमने देखा है, इसमें हम लोग देखते हैं कि दुनिया में या सोसाइटीज में हमें सब चीजें सेम नहीं मिलती। लाइक कल्चर्स जो हैं वो वेरीज करते हैं, वो डिफर करते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, या इवन फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, या इवन हम अपनी फैमिलीज की एग्जाम्पल ले लें। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हम लोग स्टूडेंट्स आपस में बैठे हुए हैं सारे, अब हम एक दूसरे की फैमिलीज को देख लें तो हमें उसमें डिफरेंसेस या वेरिएशंस नजर आएंगी। जिस तरह वो हमें एग्जाम्पल भी दे रहा है कि एक शख्स है, वो कहता है कि जी मैं हिंदू हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ, या मैं क्रिश्चियन हूँ। वो अपने आप को उस रिलीजन से बिलोंग करते हुए या उसका एक पार्ट होते हुए वो प्राउड फील करता है। और जिस तरह वो दूसरा कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स होते हैं, या वो बहुत स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं गॉड पे, और इवन कुछ ऐसे होते हैं कि जो वो उसकी एग्जिस्टेंस को मानने को तैयार ही नहीं है, कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। इसी तरह जब हम आगे बात करते हैं, तो ये कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं, ये हमें आगे फर्दर जो रिजल्ट्स देते हैं, वो जिस तरह इसमें कह रहा है कि कल्चरल डिफरेंसेस क्रिएट डिफरेंसेस इन गवर्नमेंटल सिस्टम, ड्रेसेस, लैंग्वेज, फैमिली एंड मैरिज सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, कि मतलब जब हम कल्चरल वेरिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, डिफरेंट सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जब हम अपने इर्द गिर्द या अपनी सोसाइटीज को देखते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड को देखते हैं, तो उसमें हमें डिफरेंसेस नजर आते हैं। किन चीजों में? गवर्नमेंट सिस्टम में, ड्रेस में, लैंग्वेज में, फैमिली में, मैरिज सिस्टम में, और इवन इकोनॉमिक सिस्टम में। इसीलिए हम देखते हैं कि हमें दुनिया में डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उसमें हमें डिफरेंट कल्चर्स मिलते हैं, डिफरेंट हमें उसमें गवर्नमेंट सिस्टम्स मिलते हैं, ड्रेसेस में डिफरेंस नजर आता है, लैंग्वेजेस डिफरेंट है, कि जिस तरह हर मुल्क की एक अपनी नेशनल लैंग्वेज होती है। फिर हमें फैमिली सिस्टम डिफरेंट नजर आते हैं, मैरिज सिस्टम डिफरेंट नजर आते हैं। तो ये वो सब चीजें हैं कि जो हमें कल्चरल वेरिएबिलिटी की तरफ या कल्चरल डिफरेंसेस की तरफ लेके जाते हैं। और फिर आगे वो कह रहा है कि दीज डिफरेंसेस लेड अस टू वर्ल्ड वॉर वन एंड टू। क्यों हुई थी ये कंफ्लिक्ट्स की वजह से हुई थी कि जो पैदा हुए थे कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से। फिर इसमें वो आगे हमें बात करता है फैक्टर्स की, कि जो आपकी कल्चरल वेरिएबिलिटी का सबब बनती हैं, या वो फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं।
उसमें सबसे पहले आ जाता है वेरिएबिलिटी इन फैमिली। अगर इसको हम जनरली डिस्कस करते हैं कि मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो हम स्क्रीन्स पे आप लोग अपनी देख रहे हो या जो आपकी बुक्स में आपको दिखाई दे रहे होंगे कि वेरिएबिलिटी इन मैरिज, वेरिएबिलिटी इन फैमिली, कल्चरल वैल्यूज या वेरिएबिलिटी इन रिलीजियस एटीट्यूड्स या पॉलिटिकल और गवर्नमेंट सिस्टम, फिर वेरिएबिलिटी इन एजुकेशन, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, सोशल नीड्स, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेटलमेंट, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, मोड्स ऑफ कल्टीवेशन, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, एडॉप्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या रोल ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये सब जो हैं ये हमारे वो फैक्टर्स हैं कि जो हमारे कल्चर्स में डिफरेंसेस पैदा करते हैं या उनमें वेरिएबिलिटी पैदा करते हैं या उनमें वेरिएशन पैदा करते हैं। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक कल्चर को जो हमने डिस्कस किया है, मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट जो है जिसको हम कल्चर कहते हैं, तो वो सब चीज़ें हम जब डिस्कस करते हैं और उनको कंपेयर करते हैं विद अदर सोसाइटीज़ या विद अदर कल्चर्स, तो वो हमें डिफरेंसेस पे नज़र आते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, जिस तरह वो कह रहा है कि वेरिएबिलिटी इन फैमिली या मैरिज, तो आप हम एग्जांपल ले लेते हैं अपनी फैमिलीज़ को। तो हम अपनी फैमिलीज़ को देखते हुए जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं या हम इस चीज़ को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं तो हमें वो डिफरेंसेस खुद नज़र आते हैं। क्यों हम कहते हैं कि भाई जिस तरह हम इवन फैमिली नेम्स होते हैं, कास्ट होती हैं, तो इन्हीं वजहों से हमें फैमिलीज में वेरिएबिलिटी और फिर आगे फर्दर वो कल्चर में नज़र आते हैं। फिर इसी तरह डिफरेंस वेरिएबिलिटी इन मैरिज है, जिस तरह आगे हम जब फैमिली इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें जब हम टाइप ऑफ मैरिजेस देखेंगे तो इसमें वो कह भी रहा है कि डिफरेंट सोसाइटीज एंड कल्चर्स हैव डिफरेंट सिस्टम ऑफ मैरिजेस, एक्सोगैमी, एंडोगैमी, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंट्री। तो ये सब जो हैं ये टाइप ऑफ मैरिजेस हैं और ये आपकी मतलब जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं इन द वर्ल्ड उनमें ये फॉलो हो रही हैं। एक्सोगैमी मींस के आउटसाइड द फैमिली, एंडोगैमी मींस इनसाइड द फैमिली। फिर इसी तरह फर्दर और इसकी कैटेगरीज हैं जो आगे हम फर्दर अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये आप अगर इसको थोड़ा सा नेट पे सर्च करो या बुक्स में देखो, अपनी बुक्स में ही फैमिली इंस्टीट्यूशन में, तो आपको ये नज़र आएगा कि भाई ये टाइप ऑफ फैमिली, ये मैरिजेस जो हैं ये आपकी इवन पाकिस्तान में भी इनको डिफरेंट ग्रुप्स या सोसाइटीज फॉलो कर रहे हैं। फिर कल्चरल वैल्यूज आ जाती हैं। तो अगर हम इस चीज को इस तरह स्टेप वाइज देख लेते हैं तो ये सब चीजें हमें अपने इर्द गिर्द या अपनी इन्वायरमेंट में या अपनी सोसाइटी में हमें मिलती हैं। अब जिस तरह कल्चरल वैल्यूज हैं, हम फैमिली की बात करते हैं, हर फैमिली की अपनी कल्चरल वैल्यूज होती हैं। जिस तरह केपी में मोस्टली फॉलो किया जाता है दाढ़ी रखने का ट्रेंड होता है, फिर इवन आप देख लें पंजाब साइड पे तो जो बड़े होते हैं वहाँ के चौधरी या वडेरे लोग जो होते हैं तो उनकी अपनी कुछ पहचान होती है। जिस तरह इवन आप सिंपली अपने सूबों को कंपेयर कर लो तो वो आपको कल्चरल वैल्यूज डिफरेंट नज़र आएंगे, जो भी वैल्यूज हैं। जिस तरह हम इवन अदर सोसाइटीज की बात करते हैं तो हमें वो कल्चरल वैल्यूज नज़र आती हैं। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो उसमें हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं, जिस तरह हमने पीछे अपने कोर्स में डिस्कस किया था कि इसमें आपको डिफरेंट ट्रेड्स मिलते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स मिलते हैं। फिर हमने जिस तरह और उसमें कल्चर में देखा था कि आपके कल्चर में डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फिर इसमें हम आगे देखते हैं तो वेरिएबिलिटी इन रिलीजियस एटीट्यूड्स आ जाती है। अब वो तो जाहरी बात है मोस्टली कॉमन जो चीज़ है कि डिफरेंट रिलीजन्स होंगे तो डिफरेंट बिलीव्स होंगे, डिफरेंट प्रैक्टिसेस होंगे। मुस्लिम्स हैं तो वो अल्लाह ताला की पूजा, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते हैं। क्रिश्चियंस हैं तो वो क्राइस्ट को मानते हैं।
फिर इसी तरह हिंदू हैं उनके अपनी बिलीव्स हैं उनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, फिर इसी तरह फर्दर हम देखते हैं तो वो उनके डिफरेंट फेस्टिवल्स आ जाते हैं, उनमें हमें फिर डिफरेंसेस नज़र आते हैं, वो फिर हमें और आगे डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं कल्चरल वेरिएबिलिटी की तो हम इसको एज टॉपिक इसलिए शामिल किया जाता है कि जब हम बात करते हैं कल्चर की तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी टॉपिक्स हैं कि जो हमें फर्दर उस चीज़ को समझने में या सोसाइटीज़ को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट जो है उसकी हमने क्या देखा था कि वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर है वो, उसका जो एक किसी प्रॉब्लम का सलूशन है वो उसको सीख करता है अपनी स्टडी से, साइंटिफिक स्टडी से। तो वो साइंटिफिक स्टडी क्या है, वो ये चीज़ें कि हमारे पास कल्चरल लैग की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई क्यों कल्चरल लैग पैदा होते हैं, कल्चरल वेरिएबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर इसी तरह आगे हम लोग कल्चरल यूनिफॉर्मिटी देखेंगे। इसमें जब हम कल्चरल वेरिएबिलिटी की बात करते हैं तो फिर उसमें हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाती है वो चीज़ आ जाती है वेरिएबिलिटी अमंग पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट सिस्टम। जिस तरह हम ऊपर इसकी डेफिनेशन में या उसके इंट्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस क्रिएट डिफरेंसेस इन गवर्नमेंट सिस्टम। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से हम कल्चरल वेरिएबिलिटी को स्टडी करते हैं। जिस तरह वो कह भी रहा है कि द वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड अंडर डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, किंगशिप आर द वेरियस सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट विच आर प्रैक्टिस सक्सेसफुली अमंग डिफरेंट सोसाइटीज। ठीक है, तो मतलब कहने का सिस्टम मतलब ये है कि कल्चरल वेरिएबिलिटी में हम जब फैक्टर्स देखते हैं तो हमें वो डिफरेंसेस सोसाइटी में किन वजूहात में नज़र आते हैं, वो हमें नज़र आते हैं फैमिली की वजह से, मैरिजेस की वजह से, उनकी कल्चरल वैल्यूज की वजह से, रिलीजियस एटीट्यूड्स की वजह से, या पॉलिटिकल या गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसकी वजह से। वो हमें डिफरेंसेस किसी सोसाइटीज़ में आपस में हम उनके देख सकते हैं। फिर इसी तरह एजुकेशन है, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम जब कंपैरिजन की बात करते हैं, जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अच्छे से अच्छे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। एक सिस्टम अच्छा है तो हम उसको कहते हैं कि हमें इससे और अच्छा सिस्टम होना चाहिए। जिस तरह लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में कॉलेजेस, स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए तो क्या होता था, शुरू में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी या इतनी लोगों के पास नॉलेज नहीं थी या इतना उस टाइम उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो क्या था, वो व्हाट्सएप के थ्रू छोटे छोटे लेक्चर्स बना के भेजते थे। फिर वो चीज़ आपकी यूट्यूब पे आ गई, फिर करते करते वो चीज़ आपकी जूम पे या गूगल मीट पे या जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो वो आस्ता आस्ता टाइम के साथ साथ चेंजेस आती रही। और वो चेंजेस क्यों आती रही, वो चेंजेस इसीलिए आती रही कि ये वेरिएबिलिटी इन एजुकेशन या गवर्नमेंट सिस्टम, ये चीज़ें मौजूद थी। इनको स्टडी करके हम इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि जिस तरह एक क्लासरूम का माहौल होता है उस तरह हम बैठ के तो अपनी क्लासेस ले सकते हैं। फिर ज्योग्राफिकल एरियाज़ की बात होती है तो जब हम बात करते हैं कि जी हिली एरियाज़ के जो लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो थोड़े टफ होते हैं, अगर हम उनका मुकाबला या कंपैरिजन करें उन लोगों के साथ जो मैदानी इलाकों में या गर्म इलाकों में रहते हैं। तो ये कंपैरिजन या ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमें इन जो हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट है या कल्चरल वेरिएबिलिटी है, इसकी वजह से। फिर आ जाती है सोशल नीड। फिर जब हम देखते हैं हमें सोसाइटीज में डिफरेंस नज़र आता है या लोगों में जो डिफरेंस नज़र आता है वो उसकी एक और वजह होती है हमारी सोशल नीड्स।
कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग डिफरेंट तरीके अपनाते हैं या डिफरेंट हमारी सोर्स ऑफ इनकम होती है, और वो हमारे नीड्स किस तरह पूरे होते हैं वो हम उन सोर्स ऑफ इनकम से अपने सोशल नीड्स पूरे करते हैं। अब अगर हम देखें तो हर शख्स डॉक्टर नहीं है या हर शख्स इंजीनियर या टीचर नहीं है, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस हैं या जो लोग उन्हें ज्वाइन करते हैं वो इसी कल्चरल वेरिएबिलिटी की वजह से, उन इंटरेस्ट की वजह से उनको वो ज्वाइन करते हैं। फिर यहाँ वो कह रहे हैं हमें कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिस तरह वो हम कहते हैं ना कि विरासत में हिस्सा, वो अगर आप यहाँ पे देखो तो वो कहता है कि इन मुस्लिम सोसाइटीज द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज गिवन बाय इस्लाम वाइल नॉन मुस्लिम सोसाइटी डोंट होल्ड दिस सिस्टम। मतलब अब ये हमें वो डिफरेंट एंगल्स से वो डिफरेंसेस बता रहे हैं। फिर सेटलमेंट की बात होती है कि कुछ लोग हैं तो वो रूरल एरियाज में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं वो अर्बन एरियाज में रहना पसंद करते हैं। क्यों? वो डिफरेंट वैल्यूज की वजह से, उन डिफरेंट ट्रेडिशंस की वजह से या उन डिफरेंट जो हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से, जिस तरह हम लोग ये स्टेप वाइज डिस्कस कर रहे हैं कि ये डिफरेंट चीज़ें हैं तो जो हमें वो डिफरेंसेस का बताती हैं। हम क्यों अर्बन सोसाइटी या रूरल सोसाइटी हैं, तो सारे एक ही मुल्क का हिस्सा है, लेकिन वो अर्बन और रूरल सोसाइटी क्यों फिर कहा जाता है, वो इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से उनमें वो क्लासिफिकेशन की जाती है। फिर टाइप ऑफ लैंग्वेजेस या स्टाइल ऑफ लैंग्वेजेस आ जाती हैं, उसमें जब हम ड्रेसिंग की बात करते हैं या उसमें हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम इवन पश्तो की एग्जांपल अगर आप ले लें तो पेशावर में जो पश्तो बोली जाएगी उसका स्टाइल और उसका टाइप डिफरेंट होगा, बन्नू का डिफरेंट है। फिर इसी तरह आप लोग और इस तरह एरियाज में चले जाएं, स्वात साइड पे चले जाएं, तो वो हमें डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट टाइप मिलेगी। अफरीदियों का देख लें तो उनका हमें डिफरेंट मिलेगा। फिर इसी तरह ड्रेसिंग में है तो वो हर एक का अपना एक स्पेसिफिक स्टाइल बन जाता है, जिसकी वजह से हमें कल्चरल डिफरेंसेस नज़र आते हैं। फिर इसी तरह वो बात कर रहे हैं मोड्स ऑफ कल्टीवेशन की, तो हर जगह आप देख लें मशीनरी का पहुंचना मुमकिन नहीं होता, तो कहीं पे बैल यूज़ होते हैं, कहीं पे भैंसों का इस्तेमाल होता है, कहीं पे फार्मर्स बेचारे अपनी मदद आपके तहत फार्मिंग करते हैं, फिर कहीं पे मशीनरी वगैरह अवेलेबल ईजीली होती है जो मैदानी इलाके होते हैं उनमें ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, कल्टीवेटर्स होते हैं, तो वो डिफरेंट हमें चीज़ें फिर नज़र आती हैं। फिर इन्वेंशंस और डिस्कवरीज जो हैं वो काफ़ी उसमें कल्चरल वेरिएबिलिटी में एक अहम फैक्टर बनती हैं कि नई इन्वेंशंस हुई हैं या डिस्कवरीज हुई हैं, कुछ लोग उनको अडॉप्ट करते हैं, कुछ लोगों तक उनकी जो पहुंच है या जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो देर से पहुंचती है, वो फिर हमें जिस तरह हम कहते हैं ना कि जी डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, तो वो इन्हीं इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की वजह से कहते हैं कि जिनके पास तो ये इन्वेंशंस या डिस्कवरीज इन टाइम पहुंच जाती हैं या वो उनको इन टाइम यूज़ कर लेते हैं उस टेक्नोलॉजी को, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और जिनको नहीं पहुँचती या देर से पहुँचती हैं तो वो हम उनको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या थोड़ी कम डेवलप कंट्रीज। तो फिर अडॉप्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, रोल ऑफ इंडिविजुअल है, इसमें भी अगर हम देखें तो ह्यूमन बिहेवियर जो है, जिस तरह हमने कल्चर की बात की है, जिस तरह हमने उसके करेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि कल्चर इज एवर चेंजिंग, तो वो हमारे अपने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है कि जैसे जैसे हमारी नीड चेंज होती हैं, जैसे जैसे हमारे फैशन चेंज होते हैं, जैसे जैसे हम ग्रोथ करते हैं, तो उसी हिसाब से फिर हम अपनी जो नीड्स हैं या जो रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। और उसमें एक रोल ऑफ इंडिविजुअल की अगर हम बात कर लें तो वो एक सिंबल बन जाता है, जिस तरह अब यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया है गांधी कैप या गांधी जैकेट या जिन्ना कैप, तो वो एक सिंबल बन जाता है कि जिस तरह हम अक्सर देखते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर्स को या प्रेसिडेंट्स को, तो वो अपने उसी ड्रेस में
जाते हैं जो वो कौमी लिबास होता है या वही एक ट्रेडिशनल चीज़ यूज़ की जाती है। तो इस तरह हम डिफरेंट सोसाइटीज़ में या डिफरेंट ग्रुप्स में हम कल्चरल वेरिएबिलिटी जो है हमें इजीली नज़र आती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कल्चरल यूनिफॉर्मिटी का। सेम उसी तरह है जिस तरह हम कल्चरल वेरिएबिलिटी को डिस्कस करते हैं, इसी तरह हम कल्चरल यूनिफॉर्मिटी को भी डिस्कस करते हैं। मीन्स के कल्चर में यूनिफॉर्मिटी कैसे पैदा होती है। जहाँ पे हम डिफरेंसेस की बात करते हैं वहाँ पे हम यूनिफॉर्मिटी की भी बात करते हैं, मीन्स उनमें कॉमन होने की भी बात करते हैं। जिस तरह वो यहाँ पे हमें बता रहे इंट्रोडक्शन में कि ऑल सोसाइटीज हैव देयर ओन कल्चर, ठीक है, एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कल्चर, द कल्चर ऑफ वन सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, बट अमंग दीज सोसाइटीज देयर आर सर्टन ट्रेड्स विच आर कॉमन, ठीक है, विच हैव देयर बायोलॉजिकल ज्योग्राफिकल एंड सोशल बैकग्राउंड, ऑन दिस ग्राउंड सिमिलैरिटी इज ऑल्सो फाउंड, दिस सिमिलैरिटी अमंग ऑल द कल्चर इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज आर कोऑपरेटिंग विद वन अनदर इन दिस फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। मीन जहाँ पे हम डिफरेंसिस की बात करते हैं वहाँ पे हम कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे हम उनके डिफरेंसेस को देख रहे हैं, कुछ चीज़ें या कुछ ट्रेट्स ऐसे भी होते हैं कि जो कॉमन होते हैं और उनकी अपनी बायोलॉजिकल या ज्योग्राफिकल या उनका कोई अपना सोशल बैकग्राउंड होता है कि जिसकी बेसिस पे वो चीज़ें डिफरेंट सोसाइटीज़ में या डिफरेंट कल्चर्स में कॉमन पाई जाती हैं। जिस तरह हमें वो नीचे एग्जाम्पल्स बता रहा है कि यूनिफॉर्मिटी इन रिलीजन, लैंग्वेज, फैमिली एंड मैरिज, पॉलिटिकल सिस्टम, नॉर्मेटिव ऑर्डर और एजुकेशन। इसमें जब हम बात करते हैं तो वो हमें एग्जांपल्स दे रहा है कि यूनिफॉर्मिटी इन रिलीजन की बात करते हैं। तो अब रिलीजन क्या है? रिलीजन इज अ बिलीव इन सुपर नेचुरल पावर्स, ठीक है। दीज आर there are different religions in the world, but each society has got belief in supernatural powers. Every society has certain ways of faith in the unknown. There are unforeseen and unexpected events which are scientific methods and logical thinking cannot explain. ठीक है, कि जो मतलब कह रहा है कि यूनिफॉर्मिटी क्यों पैदा होती है, कि जिस तरह हम तमाम रिलीजन्स की बात करते हैं उसमें हमें क्या है कि हम किसी बिलीफ की बात करते हैं, किसी फेथ की बात करते हैं, तो वो फेथ जो है वो हमें तकरीबन हर रिलीजन में नज़र आता है। जिस तरह हमने बात की है अल्लाह ताला की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या हम बात करते हैं जीसस क्राइस्ट की, या हम हिंदुओं में उनकी डिफरेंट जो गॉड्स हैं उनकी बात करते हैं, तो मीन्स वो बिलीव और फेथ तकरीबन सेम है। सिर्फ क्या है कि वो मांगने का तरीका डिफरेंट है या वो इबादत का तरीका डिफरेंट है। वो क्यों है? वो आज तक कोई भी मतलब साइंटिफिकली मेथड से या लॉजिकल थिंकिंग से वो उसको आज तक कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता, ठीक है। जहाँ पे हम बात करते हैं आसमानी किताबों की, तो आसमानी किताबों में क्या है कि कहाँ से आई आसमानी किताबें? सोर्स तो वो एक ही था ना, लेकिन क्या है कि आगे वो डिफरेंट हमें रिलीजन्स के तौर पे वो चीजें नजर आती हैं, लेकिन अगर हम उसका सेंटर पॉइंट देखें तो वो हमें कॉमन नजर आता है, जिसको हम अगर सिंपल वर्ड में या सोशोलॉजी के उसमें देखें तो वो हमें वहां से कल्चरल यूनिफॉर्मिटी रिलीजन्स में नज़र आती है। फिर लैंग्वेज की बात आती है, तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जो है इज अ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर इंटरेक्शन, बट देयर एग्जिस्ट अ रिलायबल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच इज द मेन एम ऑफ लैंग्वेज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। जिस तरह हम बात करते हैं अपने मुल्क की, तो हमारी कौमी जुबान क्या है? उर्दू। लेकिन हम जब ऑफिशियली वो करते हैं, लेटर्स करते हैं, या जिस तरह वो यहाँ पे बात कर रहा है कि डिफरेंट सोसाइटीज है
different languages for interaction, but there exists a reliable system of communication. वो रिलायबल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? वो ऑफिशियल लैंग्वेज है कि जो यूज होती है एज अ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे, जिस तरह हम अपनी ऑफिसेज में देख लें या कोई नोटिफिकेशंस देख लें, वो हमें मोस्टली इंग्लिश में ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो एक नॉन लैंग्वेज है थ्रू आउट द वर्ल्ड। फिर हम बात करते हैं फैमिली एंड मैरिज की। तो फैमिली एंड मैरिज की अगर हम एग्जांपल देख लें, तो वो आप किसी भी कल्चर में या किसी भी फैमिली में या किसी भी सोसाइटी में देख लें, तो वो हमें सिंपल क्या उसमें हमें नजर आता है? बॉन्डिंग ऑफ टू ग्रुप्स या टू फैमिलीज। तो वो हमें हर सोसाइटी में, हर कल्चर में वो बॉन्डिंग नजर आती है। वो दो इंसानों की होती है, वो दो फैमिलीज की होती है। और अगर हम फर्दर देखें तो मैरिज का क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बच्चे आते हैं, वाइफ आती है, और उस कल्चर को प्रिजर्व किया जाता है थ्रू नेक्स्ट जनरेशन जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें तकरीबन हर सोसाइटी में नजर आती हैं या हमें उसमें वो कॉमन चीजें मिलती हैं। फिर हमारे पास आता है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरह हम लोग डिफरेंसेस में हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम, तो उसमें हमने देखा था डिक्टेटरशिप है, उसमें हमने देखा था किंगशिप है, उसमें हमने देखा था डेमोक्रेसी है। तो जहाँ पे हम डिफरेंसेस को देख रहे हैं, तो वहीं पे हम कोई ना कोई एक पॉलिटिकल सिस्टम देख रहे हैं। अब किंगशिप है तो उसमें भी कोई ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम, कोई ना कोई एक सिस्टमैटिक वे ऑफ गवर्निंग द स्टेट हमें मिलता है। वही चीज़ हमें डेमोक्रेसी में या वही चीज़ हमें डिक्टेटरशिप में नज़र आती है। मतलब बस वो ये नहीं है कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हमें उसी में ही कोई पॉलिटिकल सिस्टम नज़र आए, बल्कि अगर हम डिक्टेटरशिप को या किंगशिप को भी उठा के देख लें तो उसमें भी हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम नज़र आता है। मतलब कहने का यही है इसका जो ऑथर है कि ठीक है, जहाँ पे हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं कि तीनों डिफरेंट सिस्टम्स हैं, लेकिन उनमें कॉमन चीज़ क्या पाई जाती है कि उसमें कोई ना कोई एक पॉलिटिकल सिस्टम पाया जाता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटीज है उनको वो डील करते हैं, जिसकी वजह से उसमें वो यूनिफॉर्मिटी आती है। फिर नॉर्मेटिव ऑर्डर आता है। तो नॉर्मेटिव ऑर्डर्स क्या होते हैं? ये वही नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं जो कोई सोसाइटी या कोई कल्चर अपनी सोसाइटी में एक पीसफुल इन्वायरमेंट रखने के लिए बनाए जाते हैं कि पैनिक सिचुएशन ना बने, या अगर कोई प्रॉब्लम आती है या अगर कोई और ऐसी वायलेशन होती है तो उसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी ना मचे, तो उसके लिए कुछ नॉर्मेटिव ऑर्डर्स बनाए जाते हैं। जिस तरह आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग ट्रेवल करते हो मोटरवे पे, तो आपको देखो तो आपको इंडिकेशंस मिलती हैं, आपको वहाँ पे साइन बोर्ड्स मिलते हैं जिसमें आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि इतनी स्पीड रखें, डायरेक्शंस बताई जाती हैं कि आगे लेफ्ट टर्न है, राइट टर्न है, या आपने कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी है, या कौन सा स्टेशन आने वाला है। और फिर अगर हम देखें तो फिर वहाँ पे वो स्पीड कैमरास लगे होते हैं कि जो स्पीड को रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी फिर वायलेशन अगर कोई करता है तो उसको चलान किया जाता है। तो इसी तरह हर कल्चर में, हर सोसाइटी में कुछ नॉर्मेटिव ऑर्डर या वो एक सिस्टम पाया जाता है जिसकी वायलेशन अगर की जाए उस पर वो पनिशमेंट होती है या उसके अगेंस्ट उसको कोई फाइन किया जाता है। तो ये हमें इवन हर सोसाइटी में या हर ग्रुप में या इवन हर फैमिली में मिलता है। जिस तरह हम अक्सर मैं अपने उसमें डिस्कस करता रहता हूँ फैमिली से रिलेटेड चीज़ों को, कि हर फैमिली का एक अपना स्ट्रक्चर होता है कि भाई खाना सब ने टाइम पे खाना है, या इतने बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, तो फिर उस पर डिफरेंट पनिशमेंट्स या डिफरेंट एक्शंस पेरेंट्स की तरफ से लिए जाते हैं। तो इसी तरह हम सोसाइटीज में भी देखते हैं, तो वो बेशक डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स होते हैं,
डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज होती हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज होती हैं, तो वो अगर हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें उनमें कुछ चीज़ें कॉमन भी नज़र आती हैं। अब किसी भी कंट्री में अगर आप देख लें, किसी भी सोसाइटी में देख लें, तो कत्ल को वो लीगल नहीं करते, वो इलीगल ही करार दिया गया है। वो जो कत्ल करने वाला है उसको क्रिमिनल ही कहा गया, चोरी करने वाले को क्रिमिनल ही कहा गया, शाबाशी नहीं दी जाती जिस सिस्टम में भी हम देखें। तो फिर जो एक और वजह बनती है कल्चरल यूनिफॉर्मिटी की, वो है एजुकेशन। ठीक है, जहाँ पे हमने बात की है डिफरेंसेस की, तो वो डिफरेंसेस ठीक है अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि फॉर्मल और अगर इनफॉर्मल हम एजुकेशन देखें तो वो हमारी नेसेसिटी है लाइफ की, हमें सर्वाइव करने के लिए वो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों की ज़रूरत होती है। और इसी फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन की वजह से हम कल्चर क्या है ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और ये क्या है, ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर है। तो वो अगर हम डिफरेंसेस कर रहे हैं, कि जहाँ पे हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, या अगर हम वो कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं जो हमने वेरिएबिलिटी में देखा है, वो एक कंपटीशन होता है चीज, तो हमें वही यूनिफॉर्मिटी मिल रही है, उसमें हमें वही चीजें कॉमन मिल रही है, फॉलो हम उन्हीं रूल्स को कर रहे हैं। तो इसको हम एजुकेशन में भी हम यूनिफॉर्मिटी देखते हैं। इन पॉइंट्स को डिस्कस करने का मतलब यही है कि जब हम बात करते हैं डिफरेंट कल्चर्स की, डिफरेंट सोसाइटीज की, तो उसमें हमें स्टडी करने के लिए उसमें वेरिएबिलिटीज या वेरिएशंस या जो यूनिफॉर्मिटी है, उन चीज़ों को भी स्टडी करना पड़ता है। और वो कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जो मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंसेस को स्टडी करने में, या उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है या जो उसमें कॉमन चीज़ें हैं उनको स्टडी करने के लिए, तो वो ये मेन फैक्टर्स हैं कि जो हमने वेरिएबिलिटी में और यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर में डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कल्चरल रेफ्यूजी का। कल्चरल रेफ्यूजी क्या चीज़ है? अब ये वही नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम अपने, मैं आपको शुरू से पहले दिन से बताता आ रहा हूँ कि मतलब ये कोई नई लॉजिक नहीं है या ये कोई नई साइंस नहीं है, ये डेली हमारी लाइफ की, रूटीन लाइफ की चीज़ें हैं कि जो हम जिनको फॉलो करते हैं या हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, लेकिन ये है कि अब उनको एक आप स्पेसिफिक नज़र से देखोगे या एक स्पेशल उससे देखोगे, जिसको हम सोशियोलॉजिकल वे कहेंगे, वो हम इसको कल्चरल रेफ्यूजी को अगर हम देखते हैं, तो वो कल्चरल रेफ्यूजी में कहता है कि एवरीवन इज डिससैटिस्फाइड इन सोशल लाइफ, सम ऑफ द पीपल फेस वन टाइप ऑफ सोशल प्रॉब्लम एंड सम फेस अदर टाइप्स, एनी हाउ ऑल द पीपल आर डिससैटिस्फाइड बाय देयर सोशल लाइफ एंड वांट टू सीक सेटिस्फेक्शन इन एनीथिंग एल्स, दे आइदर टर्न टूवर्ड्स समथिंग और सम बिलीव फॉर सीकिंग सेटिस्फेक्शन। अब जिस तरह वहाँ पे हमने कल्चरल वेरिएबिलिटी देखी, डिफरेंसेस देखे, यहाँ पे हमने यूनिफॉर्मिटी देखी, और अब हम रेफ्यूजी देख रहे हैं। तो रेफ्यूजी क्या होते हैं? रेफ्यूजी वही, मतलब रेफ्यूजी का अगर हम वर्ड देखें तो वो क्या है कि पनाह लेना या एक किसी जगह पे अपने आप को सेटल करना। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी शख्स अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होता, किसी की एक किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की और किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब हर शख्स जो है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का या डिससेटिस्फेक्शन का शिकार होता है, और वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, वो अपनी उस नीड को पूरा करने के लिए वो डिफरेंट रास्ते तलाश करता है, और वो डिफरेंट चीज़ों से या मराहिल से गुजरता है कि किसी तरह अपने आप जो उसकी लाइफ है वो उसको सेटिस्फाई कर सके। तो इस जो ये तरीका कार है उसको हम कल्चरल रेफ्यूजी का नाम देते हैं। जिस तरह वो आगे कह रहे हैं कि द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल बाय देयर सोशल लाइफ एंड टेंडेंसी टुवर्ड्स समथिंग और सम बिलीव फॉर सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड
cultural refugee. These things and beliefs include sacred writings, mazars, poems, fashions, etc. as item of cultural refuge. मतलब अगर आप for example अपनी life से satisfied नहीं होते या आप किसी चीज में आपको satisfaction नहीं मिल रही तो आप क्या करते हो, या अगर आप for example एक मोबाइल फोन यूज कर रहे हो सैमसंग कंपनी का कर रहे हो, अगर आप उसमें कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाती है या उसकी वर्किंग में कोई थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हो, आप उससे अच्छे मॉडल की तरफ जाते हो या आप उससे अच्छी कंपनी की तरफ जाते हो, आईफोन की तरफ जाते हो, ओप्पो की तरफ जाते हो। क्यों? आप उस जो एक ब्रांड है या जो वो मॉडल है आप उसकी उस जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपको डिससेटिस्फेक्शन हो रही है, आप क्या करते हो आप उससे अच्छे की तरफ जाते हो। इसी तरह वो हमें डिफरेंट एग्जांपल दे रहा है कि डिफरेंट चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि वो मोबाइल फोन है, वो सेक्रेड राइटिंग्स हो सकती हैं या मजार्स हो सकते हैं, टॉम्स हो सकते हैं, या वो डिफरेंट टाइप ऑफ फैशन हो सकते हैं। जिस तरह हम देखते हैं वक्त के साथ साथ फैशन तब्दील हो रहा है, जिस तरह आप लोग अपने पेरेंट्स को देखते हो या ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हो तो उनके पास आज भी वो कपड़े जो आज से पहले फैशन यूज होते थे वो पड़े होते हैं, या वो उनको आप यूज करते हो तो आप लोग थोड़ा सा हंसते हो उनपे, थोड़ा सा मजाक उड़ाते हो कि ये तो आजकल का फैशन नहीं है या उनका फैशन चीज है। तो वो डिफरेंट हमें चीजें नजर आती हैं। तो इसमें जिस तरह हम आगे आप देखते हैं तो वो कहता है कि देयर आर डिफरेंट रिलीजन्स एंड डिफरेंट बिलीव्स इन द वर्ल्ड, एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन बिलीव एंड आइटम्स ऑफ कल्चरल रेफ्यूजी। मतलब अब यहाँ पे वो हमें स्पेसिफिक होके रिलीजन की तरफ इशारा कर रहा है कि मुस्लिम्स हैं तो वो डिफरेंट एमुलेट्स यूज करते हैं, डिफरेंट प्रेयर्स यूज करते हैं, रेसिटेशन ऑफ होली कुरान करते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, दाढ़ी रखते हैं। क्यों? कि वो एक आइटम ऑफ कल्चरल रेफ्यूजी इन इस्लाम है, कि जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें जन्नत नसीब होगी या हमें जन्नत में जगह मिलेगी या हम नेक लोगों में शामिल होंगे, तो वो इस वजह से इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सिक्स में है तो वो डिफरेंट हेयर कट यूज करते हैं, या वो हाथों में, अगर आपने देखा हो सिखों को तो वो अपने हाथों में एक स्टील का बैंगल यूज करते हैं, कड़ा यूज करते हैं, जो वो करते हैं वो अपने बाल नहीं काटते, अपने पास एक छोटा खंजर रखते हैं। मतलब वो हमें डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहे हैं। क्रिश्चियंस हैं तो वो क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं, हिंदूज हैं तो वो अपने गर्दन के गिर्द एक वो कॉटन का थ्रेड होता है वो बांधते हैं। तो वो हमें क्या मतलब इंडिकेशंस देती हैं, कि वो हमें एक ऐसी इंडिकेशंस देती हैं कि जिस तरह हम देखते हैं कि एक शख्स है वो थोड़ा बीमार है या थोड़ा मुसीबत का शिकार है या मुश्किल का शिकार है, तो वो क्या करता है, वो अपने अपने रिलीजन के जो भी रिलीजन को वो फॉलो करता है वो उसमें जाके इबादत शुरू कर देता है, अपने अपने जो उनकी होली बुक्स है उनकी रेसिटेशन शुरू कर देता है, वो अपने आप को जो भी उसका गॉड है, अल्लाह है या जीसस है या उनका कोई भगवान है, वो अपने आप को उसके करीब ले जाता है कि शायद इसकी वजह से मुझे इस मुश्किल से निजात मिल जाए, इस बीमारी से निजात मिल जाए। तो इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रिलीजियसली देखो, तो कल्चरल रेफ्यूजी को जो है आप अपने डिफरेंट और ऐसी चीज़ों में एग्जांपल ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल गाड़ी की एग्जांपल ले लो, टोयोटा कंपनी की गाड़ी है, अगर आप यूज़ कर रहे हो आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप क्या करते हो, या तो वो मॉडल चेंज कर लेते हो या आप उसको टोयोटा को एक तरह से इग्नोर कर देते हो, फिर नेक्स्ट टाइम लेने से इनकार कर देते हो, क्योंकि भाई आपको उसमें वो प्रॉब्लम फेस हो रही है। मोबाइल फोन हैं, टीवी हैं, इवन आपके लैपटॉप्स हैं, जब आपकी वो ज़रूरत पूरी कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब वो आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे या वो अगर आपकी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं तो आप क्या करते हो, आप उसको फौरन से पहले चेंज करने की कोशिश करते हो। क्यों? आप पीछे ना रहे जो अपने बाकी सोसाइटी से या अपने ग्रुप से या आप का कोई मजाक ना उड़ाए। तो कल्चरल रेफ्यूजी
सिंपल वर्ड में अगर हम देखें तो कल्चरल रेफ्यूजी को हम इस तरह डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसे ट्रेट्स जो हमारे कल्चर का हिस्सा होते हैं, जब वो हमारी नीड्स को पूरा नहीं कर रहे, हमारी डिमांड्स पूरी नहीं कर रहे, या हम उसे अपने आप को सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे, तो हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरे कल्चर की या किसी दूसरी सोसाइटी के ट्रेड्स को अपनी कल्चर या अपने सोसाइटी का हिस्सा बना के अपनी लाइफ को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस को कल्चरल रेफ्यूजी का नाम दिया जाता है। आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंशाल्लाह होगा वो होगा कल्चरल डिफ्यूजन का। कल्चरल डिफ्यूजन क्या होती है, फिर उसमें हम देखेंगे कल्चरल रिवाइवलिज्म क्या होता है, फिर एथनोसेंट्रिज्म है और जीनोसेंट्रिज्म है। तो ये इंशाल्लाह फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी दिन ऐसे भी हो सकता है कि मैं आप लोगों को कोई टास्क दे दूं या आप लोगों के लिए कोई क्विज वगैरह इस तरह की दे दूं कि जो आप लोगों को मैं ऑनलाइन करने के लिए कहूँ। उसके लिए आप लोग बेहतर यही है कि आप लोगों को जो लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं ऑनलाइन, आप उनको नोट करो, स्टडी करो, उनको रिवाइज करो, ताकि आप वो सरप्राइज क्विज या सरप्राइज टेस्ट जो है ऑनलाइन, उसको आप प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।